गरियाबंद जिले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के गोद लिए हुए गांव कुल्हाड़ी घाट में कमार लोग बड़े पैमाने पर बीते दो महीनों के भीतर पलायन कर रहे हैं। काम के अभाव में गांव के 137 लोगों ने आंध्र प्रदेश वो चले गए थे, जिससे घरों में ताले लटके हुए हैं। वहीं स्कूल में बच्चों की दशा खराब हो रही है और तो और हद तो तब हो गई जब आंगनबाड़ी सहायिका भी परिवार समेत पलायन कर गई। कमार जनजाति विशेष पिछड़ी एवं संरक्षित जनजाति होने के चलते इनके लिए प्रदेश सरकार गरियाबंद में एक अलग से विभाग और प्राधिकरण खोलकर इनके विकास की बात कहते हुए कई योजनाएं संचालित होने का दम भरती थी, लेकिन बड़ी संख्या में पलायन ने सरकारी दावों की हकीकत सामने ला दी है। यहां के हालात को कांग्रेस अब मुद्दा बनाने में भी जुटी हुई है। काम नहीं मिलने के कारण कलेक्टर ला तो हमन पलायन करके रिपोर्ट दे चुके हैं और पलायन करें एक कारण पलायन करें कि यहाँ काम नहीं मिले ना, रोजगार मूलक में ही नहीं मिला थे काम और रोजी रोटी नहीं मिला थे, तेकर कारण ही पलायन यहाँ से हो गए हैं। लगभग 100 आदमी करीब ये मन हाँ आंध्र प्रदेश चल दे हैं।